आज ही DoubtNet ऐप डाउनलोड करें DoubtNet पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ क्वेश्चन में पूछा है कि अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज पेंटेड ब्लैक एट द मिडिल पोर्शन ऑफ द फिगर एस शोन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस सो लेंस से 20 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है तो यू जो हो गया हमारा दैट इज माइनस ट्वेंटी फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका हो जाएगा प्लस टेन और ये दिया है क्वेश्चन में कि पेंटेड ब्लैक एट द मिडल पोर्शन ओके इसमें जो है इस केस इस में इसमें सिर्फ एक इमेज ही फॉर्म होगा बिकॉज ये जो ऑप्टिक एक्सिस है इसका जो पॉइंट है मिड पॉइंट वो दोनों के लिए सेम है अगर अपर एंस और लोअर लेंस को अलग ले लेंगे उन केस में भी ये जो ऑप्टिक एक्सेस है वो सेम है अगर ये अलग अलग होता ऑप्टिक एक्सेस दोनों के लिए अलग होता तब इस केस में दो इमेज बन सकती थी पर इस केस में सिर्फ एक इमेज बनेगी सो वन बाई वी माइनस वन बाई यूज टू वन बाई एफ फ्रॉम लेंस फार्मूला फ्रॉम लेंस फार्मूला so 1 by v minus 1 by minus 20, that is equal to 1 by 10. 1 by v is equal to माइनस by बाई minus ट्वेंटी by कोमेज फॉर्म so, हो रहा है वो भी 20 सेंटीमीटर पे हो रहा है सो so, ये ट्वेंटी सेंटीमीटर हो रहा है मतलब जो u है जो v है वो सेम है फ्रॉम lens बिकॉज ये पे है. पे जो ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली so, भी लिख सकते हैं सकते हैं हैं। या फिर से हम निकाल तो तो पे 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 2F पे जब ऑब्जेक्ट होता होता है है। है। ही ही उसका इमेज बनता कन्वेक्स लेंस के केस में ऐसे so, हमारा जो v है, सेंटीमीटर। so, ऑप्शन दिया हुए में से चेक करते हैं ऑप्शन दिया फॉर्म बाई डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस